मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट ईवीएस ऑफ फिफ्थ क्लास, आवर चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नेम डाइजेशन ऑफ फूड। आज हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। ओके स्टूडेंट्स, वी ईट डिफरेंट फूड आइटम्स, दे आर ईटन रो, कुक्ड और बोथ। देखिए क्या कहा गया है कि हम अलग अलग प्रकार के फूड आइटम खाते हैं, जो कि हम किस प्रकार से खाते हैं उसे हम रो भी खाते हैं और कुक पकाकर भी खाते हैं। रो मतलब कच्चा और पका, दोनों रूपों में हम खाते हैं। कुछ फूड को हम रो खा सकते हैं और कुछ को हम कुक करके खाते हैं, और कुछ को हम दोनों तरीकों से खा सकते हैं। ओके, लाइक जैसे कि आप टमाटो देख लीजिए, उसको आप रो भी खा सकते हैं और कुक कर भी खा सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप उसको खा सकते हैं। ओके, दे कंटेन डिफरेंट न्यूट्रिशन। जो भी हम फूड खाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें वो अपने अंदर कंटेन क्या करते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आर द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस विच हेल्प अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी, बिल्ड आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। देखिए क्या कहा गया है, जो न्यूट्रिशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो कि हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी में, हमें ग्रो करने में, अस टू ग्रो, गिव अस एनर्जी, हमें एनर्जी देता है, एंड बिल्ड आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बनाता है, एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, और हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट बचाता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस टू द फूड दैट वी ईट? क्या आपने सोचा है कभी जो हम भोजन खाते हैं उसका क्या होता है? द फूड दैट वी ईट इज इट इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इट इज सो वी चेंज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय अप बाय द बॉडी। Digestion is the process of breaking down of food into soluble form to absorb and used up by the body. Okay students, तो जो क्या कहते हैं, digestion एक ऐसा process है जिसमें कि food को break किया जाता है, breaking down किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, soluble form to absorb and used up by the body. Digestion of food, भोजन का पाचन। Digestion of food begins in the mouth or the buccal cavity. देखिए क्या कहा गया है, जो डाइजेशन है वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिंस इन द माउथ, मुंह से स्टार्ट होता है। देखिए माउथ में आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ आपके टीथ होते हैं जो कि फोर टाइप्स के होते हैं, कैनिन, मॉलर्स, प्री मॉलर्स और इंसाइजर। द फूड वी ईट इज चेव्ड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। जो भी हम फूड खाते हैं उसको हम चबाते हैं किससे, अपने दांतों से, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे हम करते हैं, बाय टीथ। द टू जॉ हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे टू जो होते हैं अप एंड डाउन, अपर एंड लोअर जो होते हैं, जिसमें कि चार अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, सीजर्स, कैनिन्स, प्रीमोलर्स एंड मॉलर्स। दे बाइट, जो कि ये चारों टीथ किस किस काम करते हैं, बाइट करने का, टीयर फाड़ने का, क्रस कुचलने का और ग्राइंड पीसने का। द फूड, भोजन को, द अपर जो इज फिक्स्ड टू द स्कल वेयर्स आर द लोअर जो इज मूवेबल। देखिए क्या कहा गया, जो अपर जो होता है वो फिक्स होता है हमारे स्कल के साथ, जहाँ की जो लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है। द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ सीक्रेट सलाइवा, इट ब्रेक्स द स्टार्च इनटू द फूड इनटू सिंपल सुगर्स, इट मेक्स द फूड स्वीट इन द टेस्ट, सलाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड सॉफ्टेंस इट।